इतनी देर लगा दी, अभी आए हो तुम लोग? अरे तुम्हारे पहले तो मेरा जेठा दुकान से आ गया, तुम्हारे पुलिस स्टेशन से दूर तो हमारी दुकान है। अरे कितनी गोलियां चल गई यहाँ पे बताए तुमको? बापू जी आराम से। अरे चाचा जी आप शांत रहिए प्लीज, देखिए हम लोग दूसरी जगह इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। हमको सब मालूम है वो तुम्हारा इमरजेंसी ड्यूटी, तुम्हें ना किसी नेता को प्रोटेक्शन देने गए होंगे। देखिए आप प्लीज एक एक करके बताइए क्या हुआ। देखिए हमारे यहाँ तीन चोर आए थे, मुझे लगता है कि अंजलि भाभी वाले ही चोर है। फिर कितने भयानक थे वो लोग। फिर यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई, गोलियाँ चली हमारी सोसाइटी में। फिर हमारे बच्चे तब यहाँ खेल रहे थे। मुझे बताइए चोर को किसने देखा? चोर को आपने देखा? नहीं, वैसे तो सभी ने देखा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे वो भाग रहे थे। हाँ हाँ मैंने भी देखा था, उनके साथ बंदूक रखी थी। लेकिन सबसे नजदीक से चोर को भीड़े अंकल ने देखा। हाँ उनको पकड़ के रखा था। अच्छा आप में से भेड़े कौन है? अंकल आप? ये भाई ये मैं नहीं, ये है। ओ तो आपने चोर को पहले देखा, कहाँ देखा? नहीं नहीं वो डीविंग से बाहर निकले तब मुझसे टकराए थे, और डीविंग में नीचे तैयब टेलर रहता है, लेकिन उसके घर में तो एक साल से ताला लगा हुआ है, और ऊपर मोहन भाई रहते हैं, शायद उनको कुछ। इसका मतलब मोहन भाई चोर आपके घर आए थे? नहीं नहीं मेरे घर पे चोर चोरी करने आए होंगे, लेकिन मेरा नेम प्लेट पढ़कर डर के मारे भाग गए होंगे। अच्छा आप मुझे उस चोर का हुलिया बता सकते हैं? हुलिया बता। अरे भाई इतना डरता क्या है, हुलिया ही पूछ रहे है, बोलना। अरे डर नहीं रहा हूँ जेठालाल, याद कर रहा हूँ। तीनों में से एक ने चश्मा पहना हुआ था, और वो इनके जैसा। अरे नहीं नहीं वो इनके जैसा दिख रहा था। हाँ और दूसरा जो है वो, हाँ बिल्कुल ये थोड़ा सा इनके जैसा है, गोरा गोरा। और तीसरा जो है वो, ठीक है ठीक है। देखिए आप काम कीजिए, कल शांति से पुलिस स्टेशन आइए और हमें उसका हुलिया बताइए, हमारा आदमी उसका स्केच निकालेगा, ठीक है प्लीज। हाँ पाटिल साहब अगर चोर पकड़ा जाए तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन मुझे बुला लेना। अरे मोहन भाई आपको आने की क्या जरूरत है? आखिर चोर हमारी सोसाइटी में आए थे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूं। अगर चोर पकड़े गए तो मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी। इंस्पेक्टर साहब ये चोर यहाँ पे वापस तो नहीं आएंगे ना हमारी सोसाइटी में? बहुत डर लगता है इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं यही ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और हाथी भी घर पर नहीं है। हाथी? मेरा मतलब है हंस घर पर नहीं है। हंस? अरे भाई आपका घर या चिड़ियाघर? मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड डॉक्टर हंसराज हाथी घर पर नहीं है। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी रात भर यहाँ पेट्रोलिंग करेंगे बस। करो करो आप लोग चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा पेट्रोल दिला देंगे। ये किनके साथ है? ये इसके साथ। भीड़े सॉरी दया चुप रहने, और पेट्रोलिंग का मतलब है रात भर चक्कर मारेंगे ऐसा बोल रहे। अच्छा देखिए अभी आप एक काम कीजिए, अपने अपने घर पे जाइए और हमें अपना काम कर दीजिए, हम लोग है ना, डोंट वरी ओके। दादाजी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस बात का टप्पू सेना क्यों तो सोसाइटी में फिर एक बार चोर आ गए, अब टप्पू सेना को कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा। ये भाई जबरदस्त करने वाली, इधर सोसाइटी में असली बंदूक की गोली चली है, कोई पेपर पिन की गोली नहीं चली है। ये जेठा भाई तू इतना डरता क्यों है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? चल चला वे, सब पता है। अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरा बेटा बहादुर है, जो इतना सोचता तो है, हैं? अरे जो विचार तुझे आना चाहिए वो विचार उसे आ रहा है, सीख कुछ सीख उससे। बापू जी अरे चुप रहे, तू टप्पू की फिक्र मत कर भाई।
हाँ तो जिसकी फिक्र करनी चाहिए उसकी फिक्र तो करते नहीं। तेरी फिक्र तो जब से शादी हुई तब से करता आ रहा हूँ। अरे मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ तो? ये घर में जो पैसे और गहने पड़े हैं ना उसकी बात कर रही हूँ। बेटा बहू सही कह रही है। कल के कल जाके गहने और पैसे बैंक में जमा करके आना। तो कल का पक्का? ये गहने और पैसे तो कल सुबह बैंक में जमा करेंगे ना, लेकिन आज रात का क्या, कहीं आज रात चोरी हो गई तो? कल्लू उस्तरा, मोहनलाल बोलता हूँ। देख मेरे मोहल्ले में चोरों का नया ग्रुप आया है, सालों ने मेरे ही घर में हाथ साफ कर दिया। अरे नहीं रे, पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता, दो नंबर का माल है, समझता क्यों नहीं? तू जरा पता लगा कि वो शाने लोग हैं कौन, उनको ढूंढना है, और पता लगते ही मुझे फोन पे खबर कर, ठीक है? चल फोन रख। इससे पहले कि सोसाइटी वालों को पता चले मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूं। करेक्ट। ए, सुनो सुनो, जितना बड़ा हाथ आज मारा है ना उतना ही बड़ा हाथ तीन चार बार और मारने मिल जाएगा ना तो लाइफ सेट, कभी चोरी करने की नौबत ही नहीं आएगी। बस बस बस, लोग और तीन चार बार गोकुल धाम सोसाइटी में ही चोरी करते, यहाँ लोगों के घर पे बहुत माल है बॉस। तेरी बात तो बराबर है, तो चलो गोकुल धाम सोसाइटी के अमीरों को गरीब बनाने का प्लान करते हैं। सुनो, आज भी उठो, दूध वाला आया, दूध ले ले। उठो ना। अरे अभी तो 5:30 बजे है, 7 बजे आता है दूध वाला भाई। आप ही देखो जरा कौन आया है। सुबह सुबह कौन आ गया है? माधवी, माधवी, कोई चोर तो नहीं आया होगा? क्या अभी चोर बेल बजा के थोड़ी आएगा, जाओ देखो कौन है। हाँ देखता हूँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अरे जाओ ना, देखो ना कौन है, मेरी जरूरत की नहीं है। चलो ना, अकेले तुम्हें डर लगेगा, चलो आओ 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 चलो। आहे भी अरे हवालदार शिंदे, आप इस वक्त? आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? आपने जो स्केच बनाने में हमारी मदद की थी ना, उसके आधार पर हमने 4 लोगों को पकड़ा, तो उसकी पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना है। हाँ लेकिन आता? हाँ 5:30 बजे। नहीं नहीं, देखिए आप तो जानते ही है ना, मुंबई पुलिस 24 घंटे काम करती है, फिर अपने पास टाइम नहीं। चलो जल्दी चलो। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। नको नको वही नहीं, चाय नको चाय ना। देखो अभी 6 के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो उसके पहले आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलो जल्दी। हाँ ठीक है, चाय नहीं पीते लेकिन मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। 2 मिनट में। ठीक है, लोकर अपन ये जल्दी घर वापस आ जाएंगे ना। आपका नाव क्या बोला? शिंदे। मतलब आप मराठी हो? हम भी मराठी है। आप अचार और पापड़ तो खाते ही होंगे तो? नहीं, वो मैं अचार और पापड़ का बिजनेस करती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हूँ। आपको चाहिए तो मैं डिस्काउंट रेट में भी दूंगी। थैंक यू। हाँ वो जरा पुलिस स्टेशन में भी बता देना आपके दोस्त लोगों को। बता दूंगा, अगर आप आज ही ऑर्डर देते हो ना तो कल मैं आपको। ओ चला लो कर। हाँ आया आया आया। माधवी मैं आता हूँ। हाँ सावकाश जान, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। पापा क्या, चलो चलो क्या, रेस में भाग लिया है, चलो चलो चलता रहा हूँ। लेट हो जाएगा फिर। हाँ लेट हो।
अरे भीड़े भाई, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? यार पंचायत दूध लेना गया होगा, चलने अबे। ए भाई, पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ मैं जेठालाल। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या घपला किया तुमने? मैंने कोई घपला नहीं किया है, शिक्षक हूँ मैं। तो पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तुमने जिस बेटे को जन्म दिया है ना, उसने इस जन्म में मेरा जीना हराम कर दिया है। उसी ने पुलिस को कहा कि ये भीड़े अंकल ने चोर को नजदीक से देखा है, तो मेरे कहने पर उन्होंने जो स्केच बनवाया था ना, उसकी पहचान परख करने के लिए मुझे बुलाया था पुलिस स्टेशन, सुबह 5 बजे वो भी। तो अच्छा ना, इसी बहाने तुम्हारा भी परेड हो गया। चलो अब जल्दी करो। हाँ चलो चलो। आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम लोग। अरे भाई कुछ। टप्पू, कराटे तो किसी को भी नहीं आता, इसीलिए तो हम सीख रहे। सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे। टप्पू, मुझे कराटे आता है। तुझे कराटे आता है? वो कैसे? मैं जैकी चैन की फिल्म में देख के तो कराटे सीखा हूँ। अच्छा, एक बार करके बता। हाँ, कर। स्लाइड में रहो। बच्चों, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? दादाजी, हम यहाँ कराटे सीख रहे हैं। कराटे? दादाजी, कराटे नहीं, कराटे। मतलब? दादाजी, सोसाइटी में कोई भी चोर आएगा तो हम उनका सामना करके उसे भगा सकते हैं। हैं? हाँ। अरे वाह बच्चों वाह, जो अक्ल बड़ों में नहीं है वो अक्ल तुम में है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा है। दादाजी अब देखना, ये टप्पू सेना कराटे सीखकर पूरी सोसाइटी की रक्षा करेगी। क्या फ्रेंड? माधवी जान ना लौकर। हाँ, लीजिए। इसकी बहुत जरूरत थी। अब तो बताइए क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे क्या होना है, उन्होंने कुछ चार गुंडों को पकड़ा था, वो पहचान करने के लिए बुला लिया वापस। अरे हाँ, मैं तो था नहीं यहाँ पे, टंकी में पानी चढ़ाया किसी ने? हाँ, मैंने वो सब कुछ कर दिया है। अच्छा, वो शिंदे आया था ना सुबह आपको लेने के लिए, तब मैंने उनसे अचार और पापड़ के बारे में बात की थी, कुछ ऑर्डर मिला उनसे? माधवी, तुम्हें अचार पापड़ की पड़ी है, पता है वहाँ पे क्या हुआ? पता है पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? नहीं, वही तो कब से पूछ रही हूँ आपसे। अरे वहाँ पर एक मवाली मुझ पर बरस पड़ा, बोलने लगा कि मुझ जैसे लोगों की वजह से पुलिस उसे रोज पकड़ के लेके आती है और उसके टाइम की खोटी करती है। हंसने की बात नहीं है उसमें। वहाँ पे मुझे मेरी तरह एक और आई विटनेस मिला, पिछले 6 महीने से वो पुलिस स्टेशन में आ रहा है ऐसे ही पहचान कराने के लिए, इसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। भक्कू भाई, ऐसा आपके साथ हुआ तो अचार और पापड़ की डिलीवरी कौन करेगा? मग। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ, फिर से 2 मवाली को पकड़ा है? हाँ अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, समझ गया। कहाँ चलो? फिर से वही पहचान कराने के लिए बुला लिया। आप मना कर दीजिए ना उनको। नहीं नहीं माधवी, देखो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, और ये एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी है। लेकिन सवेरे सवेरे नहीं बुलाना चाहिए था। ये बात सही है बिल्कुल, सवेरे सवेरे बिल्कुल नहीं। और झोपता है कहाँ है, जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। देवा। अच्छा सुनिए। हाँ? वो शिंदे को जरा अचार और पापड़ के बारे में याद दिलाना। बस वो बैंक के पास आगे खड़ा कर दो। हाँ, बस 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 बस, चल 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 चल, चलो जल्दी चलो भाई। हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ? तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। हाँ? तो बेल मारो ना। इधर किसी के घर पे नहीं आए, बैंक में आए। नॉनसेंस, बेल मारो। सोड़ी होता है। अंदर तो कोई नहीं है। हाँ? साहब बैंक बंद है। क्यों? ए, पर आज तो बैंक हॉलीडे है।
ए भगवान, खाम का धक्का हुआ ना इधर। अरे तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आप बैंक में आते जाते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक कब बंद रहती है और कब चालू रहती है। वैसे आज आपको ध्यान में क्यों नहीं रहा? अरे चुप रहना, कितना बोलती है तू? वो कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही है। अरे भाई तो चुप रहे वरना इधर कोई रिक्शा नहीं रुकेगी। ये तो दया है। अरे ऐसा दया माया। अरे तू तो एकदम फैशन वाली हो गई, साड़ी में से सीधा पैंट। कैसी हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा ये टप्पू के पापा है। टप्पू कौन? अरे मेरा बेटा। वो सब तो ठीक है, दया तू हमारे घर आ। तुझे पता है हम लोगों ने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया है। अच्छा? हाँ, वो क्या है ना, हम हर 2 साल में फर्नीचर बदलते ही रहते हैं। मेरे वो है ना इतना कमाते कि पूछो ही मत। वैसे कमाते तो टप्पू के पापा भी बहुत है। दया ये देख, ये नेकलेस कैसा है? असली है। हाँ तो पूरे 90,000 का है। 90,000? अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे पास तो इससे भी महंगे गहने हैं। देख ये जो है ना, ये सेट 1 लाख रुपए का। अरे 2 लाख का है, क्या करें? 2 लाख रुपए का है ये। और ये जो है ना, ये सेट, ये देख कितना महंगा है। देखा भैया क्या कर रही है? डायमंड बोलते इसको, डायमंड। और भैया क्या कर रही है? देखो आदमी इधर देख रहा है। अरे तो उसमें क्या हुआ, देखने दो ना, ये चोरी का माल थोड़ी ना है, आपने मेहनत से कमाया हुआ है। तो फिर और तुम्हें बताऊं, और भी 100 तोला सोना यही बैंक में पड़ा है। ये तो बैंक बंद है ना, इसलिए दिखा नहीं। और मैं क्या बताऊं, 15-30 लाख रुपए तो घर में ऐसे ही रोकना पड़े रहते हैं। दया चुप, मैं चलती हूँ। हाँ निकलो निकलो दया। देखा देखा बोबड़ी बंद हो गई ना। तू अपनी बोबड़ी कब बंद करेगी? क्यों, अक्कल है तेरे में? अक्कल है ऐसे बीच रास्ते में कोई गहने? अरे जो सच है वही मैंने बोला है उसने। चुप, 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 तो कुछ मत बोल। क्या हुआ? क्या चुप, क्या कुछ मत बोल। हुआ क्या? चलो बाबा। इसे कहते हैं पेट्रोल पंप पे बैठ के लाइटर चलाना। दया भाभी खुलेआम ढिंढोरा पीट रही है कि जेठालाल के पास कितनी दौलत है, और जेठालाल की सांसें स्पीड में चल रही गाड़ी जो बिना ब्रेक किए उसमें बैठे मुसाफिर की तरह अटकी पड़ी है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे दया भाभी की जेठालाल की ये बड़ाई कहीं जेठालाल को लेने डूबे। वैसे एक बात है, अपनों को दूसरों से बड़ा दिखाने की चाहत, अगर आप इसे छोड़ दें तो आधी समस्याएं तो यही हल हो जाए। लेकिन कुल मिला के गोकुलधाम सोसाइटी में अभी माहौल धमाल का है। वैसे धमाल तो सब जगह है, IPL में धमाल है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स का धमाल है। खैर रिजल्ट का कोई भी धमाल हो, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमें मिले जो स्थिर हो और देश को सही शासन दे सके। खैर इस वक्त हम आपको एक चीज देना चाहते हैं और वो है ठाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। बीच रास्ते में कोई अक्कल है तेरे को? बात कर रहे हैं। बस तू बहस मत कर मेरे साथ दया, तू गलत है मतलब गलत है, समझी ना? अरे क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है बीच रास्ते में। क्या बात है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई। अगर दुनिया की सबसे अद्भुत जोड़ी का अवार्ड मिलना हो ना तो आप दोनों को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बेडरूम में लड़ते हैं या लड़ते लड़ते हॉल तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग तो लड़ते हुए कंपाउंड तक आ गए। अरे भाई ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बहस हो रही है? मैं बताती हूँ। तू रहने देना भाई, क्या हुआ मेहता साहब? अब आप ही बताइए इसमें मैंने क्या गलती की है? ले बोलो। देखिए कोई अपनी पत्नी का गुणगान आपके सामने गाएगा तो क्या आप अंजलि भाभी का गुणगान उसके सामने नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, अंजलि की तारीफ जरूर करूंगा। हाँ तो बस ऐसे ही मेरी एक सहेली ने अपने पति का गुणगान मेरे सामने गाया तो मैंने उसके सामने अपने पति का गुणगान गाया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? नहीं 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 भाभी, जिस तरीके से आपने किया वो बिल्कुल गलत है। आपकी जगह अंजलि भी करती तो मैं नाराज होता। अरे सड़क पे खड़े होके कोई बताता है कि क्या है आपके पास, कैश है, जेवर है, पता नहीं क्या क्या, ये तो सीधा सीधा चोरों का आमंत्रित करना हुआ ना, जमाना कितना खराब है। ऐसे थोड़ी ना होता, सब मर्द एक जैसा होता। रुक, भागते किधर है? नॉनसेंस,
एक पाई की अक्कल नियम है था साहब, इसको कब कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए। कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाता हूँ ना इससे, क्या बताऊँ मैं आपको। समझ सकता हूँ। चलो आज की एक और रात टेंशन में निकालनी पड़ेगी। अच्छा मेहता साहब मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हम लोग एक वॉचमैन नहीं रख सकते। अरे इस विषय पे तो हमने सोचा ही नहीं, क्यों नहीं रख सकते, जरूर रख सकते। अरे भाई तो कुछ कराओ, एक काम करो, वो भीड़ों को मैं बोलूंगा ना तो मुझे काटने दौड़ेगा। आप भी जरा बात करो ना उसे, कुछ कराओ ना, वॉचमैन वॉचमैन का जरा रखाओ ना जरा। अरे भीड़े क्यों, मैं सोसाइटी के तमाम लोगों को आज ही इकट्ठा कर लेता हूँ, एक मीटिंग कर लेते हैं और आज ही ये वॉचमैन का इशू फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, बस फाइनल, ठीक है ना। तो रात को मिलते हैं, मैं सबको इन्फॉर्म करता हूँ। बस ओके। ओ मेहता साहब, सोडा खत्म होने को आया, वो कौन सी खास बात है जो हम सबको यहाँ बुलाया? देखो खास बात तो है, आप लोगों को पता ही है कि अंजलि के गले से दिन दहाड़े चेन लेके चले गए चोर, और तो और बंदूकें लेके गुंडे बवाली सोसाइटी में घुस गए। भाई अभी तो सिर्फ सोसाइटी में घुसे, हो सकता है कल को हमारे घर में घुस जाए चोर, और किसी के भी घर में चोरी हो सकती है। सोटी तुम्हारे घर में हो सकती है, भीड़े तुम्हारे घर में हो सकती है, मेरे घर में हो सकती है। अरे जेठालाल ऐसे कैसे चोर आएंगे? हाँ तो कैसे आएंगे, तुमको बता के आएंगे क्या? भीड़े कल घर पे मत रहना, हम लोग चोरी करने आने वाले। नहीं नहीं मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भाई कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सोसाइटी की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओ बस इतनी सी गल, और सीधी सी बात है, इस गेट पे हम लोग एक बोर्ड लगा देते हैं और उस पे लिख देते हैं चोरों का अंदर आना मना है। यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस हो गए? सोढ़ी साहब क्योंकि ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे बड़ा सीरियस मुद्दा है भाई ये, क्या बोर्ड बोर्ड लगा देते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम सिक्योरिटी के लिए क्यों ना एक वॉचमैन रख दें सोसाइटी में। ले बोला मेहता साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे लेकिन मेहता साहब वॉचमैन की क्या जरूरत है, और वैसे भी मेरे घर पे चोर आएगा तो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। भाई तुम्हारे घर पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं ना, उनके घर पे बहुत कुछ मिल सकता है, क्यों सोटी? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना उसको, मेरे कुसे और चार लाते हैं। अरे चोर ना चोरी करना भूल जाएगा, और मुझे कुछ नहीं रखना वॉचमैन फॉचमैन, और मैं अपने घर की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, ते वाहेगुरु जी की फतेह। सोड़ी तू शांत हो जा, बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ सोड़ी जी। और मेहता साहब आप तो जानते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, कितनी बार उनको याद कराना पड़ता है, और ऊपर से अभी ये वॉचमैन का खर्चा आ जाएगा, सोसाइटी के पास इतना फंड नहीं है। पर वॉचमैन जरूरी है। अय्यर भाई आप क्या बोलते हो? नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वॉचमैन रखा तो भी ठीक है, और वॉचमैन नहीं रखा तो भी ठीक है, लेकिन क्या है कि आत्माराम का कहना भी एकदम बराबर है, लोग मेंटेनेंस दे नहीं है, फिर वॉचमैन का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सोसाइटी को बहुत भारी पड़ेगा। आत्माराम यू आर राइट, थैंक यू। तो ठीक है फिर ये तय रहा कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में वॉचमैन नहीं रखेंगे। बिल्कुल। हेलो हेलो बॉस, गुड न्यूज, गोकुलधाम सोसाइटी वाले वॉचमैन नहीं रखने वाले। सेठ जी जय जिनेन्द्र। हाँ दिनेश भाई आ गए, भेज दो पेमेंट। ओहो और दो तीन दिन आ तो ना, ठीक है आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगा पेमेंट। हाँ भले आ जाए जिनेन्द्र। क्या मुसीबत है, अरे दया को बताना पड़ेगा। हाँ दया। अरे वाह, क्या हुआ? अरे मैं तो खुश हो गई, मेरे तो बाग खुल गए जो आपने मुझे फोन किया। अभी ज्यादा वाइडी मत होना भाई, मैं बोल रहा हूँ वो सुन, देख
घर छोड़ के आजू बाजू किधर घूमने मत निकल जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, घर पे इतने सारे पैसे पड़े उसके लिए और क्या। नॉनसेंस। सेठ जी आज सवेरे सवेरे इतने टेंशन में क्यों है आप? अरे टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा नटू काका, ये घर पे इतने सारे वो 25 लाख दिनेश भाई के पड़े है, सोसाइटी में 2 बार चोरी हो गई, और भीड़े है कि मानता ही नहीं वॉचमैन रखने के लिए। सच बात कहूँ सेठ जी, हर सोसाइटी में एक भीड़े जैसा सर फिरा आदमी होता ही है। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। अरे नटू काका, हाँ? एक लड़का है इधर अपने दुकान के बाहर ऐसा घूमता रहता है टपोरी जैसा। अरे 2-3 बार मैंने देखा आपको उसके साथ बात करते हुए। अरे नहीं वो क्या, कभी वो गणपति में आया था चाय पानी मांगने के लिए। हाँ हाँ बल्लू। हाँ बल्लू, वो वैसे क्या करता क्या? कुछ नहीं सर जी, वो पट पुजिया सारा दिन इधर उधर घूमता ही रहता है, लुक्खा है। आप उसको जानते हैं वैसे? हाँ। आप उसको अभी बुला के ला सकते हैं? हाँ हाँ अभी उसको बुला के लेता हूँ। लेकिन सुनो, इधर मत लाना, मैं गोडाउन में बैठा हूँ, उधर लेके आना। हाँ हाँ सेठ जी। हाँ बल्लू। आओ बल्लू आओ। सेठ जी बल्लू। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। भाई बल्लू एक छोटा सा काम है भाई हमारा, करेगा? हुकुम करो सेठ जी, बिल्कुल करेगा। तो देखो काम ऐसा है, सब समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप समझ लो आपका काम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना भाई, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमको बुलाया करने के लिए। सेठ जी बिल्कुल किसी को खबर नहीं लगेगा। तो ठीक है नटू काका, फिर व्यवहार की बात भी कर लेते। क्या सेठ जी आप भी हाथी घोड़ा थोड़ा मांगने वाला है, घर का लड़का है, आप जो दे देंगे वो ले लेगा। ठीक है तो फिर 5,000 नहीं सेठ जी, बहुत ज्यादा है। बल्लू 2,000 नहीं, 2,000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। अरे क्या नटू काका, आप बोलते थे तो मैं 500 भी ले लेता था। ठीक है अभी मैं चलूं। ठीक है तो भाई, लेकिन आज रात को भूलना नहीं है, काम हो जाना चाहिए। अरे सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आज रात को आपका काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, नमस्ते। नटू काका मैं उसको 500 ही बोलने वाला था, आपने क्यों 2,000 बोल दिया? अच्छा आप 500 बोलने वाले थे? तो मुझे क्या मालूम, मुझे लगा 5,000 बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने 2,000 बोल दिया। 5,000 बोलने वाले, काम का 1,500 का नुकसान करवा दिया ना। कोई बात नहीं सेठ जी, दूसरी बार आपको उसका काम पड़ेगा ना, मैं बोल दूंगा, फ्री में कर देगा। बस राजी ना, जलसा करो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अब तू देखना सोसाइटी में वॉचमैन रखने के लिए यूं तैयार हो जाएगा। गर्मी है ना? गर्मी की सीजन है ना बेटा, तो गर्मी होगी। जा जा जा, एसी चालू करके सो जा, जा। पापा, आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैं भी इसी धरती का इंसान हूँ बेटा, मुझे भी गर्मी तो लगेगी ना, है? लग रही है मुझे भी गर्मी। लग रही है ना? हाँ। तो पापा मैं क्या कह रहा था, चलो ना मस्त ठंडा गोला खा के आते। अभी? हाँ। नहीं इतनी भी गर्मी नहीं लग रही कि ठंडा गोला खाने की जरूरत पड़े। जा सो जा सो जा, चलो। मम्मी, ओ बेटा, एक मिनट इधर आ। हाँ ये। बोलो बेटा। मम्मी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। गोला? अरे वाह, चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं, टप्पू ने गोला बोला
तो मुझे भी खाने की इच्छा हो गई। और वैसे भी इस बार गर्मी में हम एक बार भी गोला खाने के लिए गए ही नहीं। तो ऐसा कोई कायदा है कि गर्मी में गोला खाना जाना ही चाहिए? नहीं, वैसे ऐसा भी कायदा नहीं है कि गर्मी में गोला खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तुमको गोला खाना है? हाँ हाँ। एक काम करो, फ्रिज में से बर्फ निकालो, उसका चूरा करो, फिर ऐसा गोला बनाओ और उसके ऊपर माधवी भाभी ने वो कच्ची केरी का शरबत दिया ना, वैसा छिड़को और खा लो। जाओ 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 जाओ। लेकिन पापा मुझे काला खट्टा खाना है। हाँ हाँ मुझे भी। और वैसे भी गोले के बीच में जो डांडी होती है ना, वो तो घर में है नहीं। और गोला खाने का असली मजा तो उस डांडी को ऐसे पकड़ के ऐसे उसमें आता है। बराबर है, कल 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 जाएंगे। हाँ तो कल भी इच्छा होगी ना दया? आज अपनी इच्छा को जरा थोड़ा सुला दो। जाओ तुम तीनों यहाँ आओ। अरे मैं कब से घर में ढूंढ रहा हूँ सबको। टप्पू हल सुमेल आए। हाँ जा जा सो जा जा। दादाजी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। बापू जी। हाँ तो जेठा सही कह रहा है। बापू जी। अरे अरे क्या कर रहा है? नहीं। अरे बेटा ये कोई वक्त है गोला खाने जाने का है? अरे गोला खाने का असली मजा तो दोपहर में आता है, थोड़ी धूप में। कल मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो दादाजी कल पक्का ना? अरे हाँ पक्का पक्का। चल ले चलो। चलो। अच्छा समझी, तो गोला खाने के लिए सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। तू भी जाके सो जा, ऐसा बोल रहा हूँ हम दोनों। तो आप नहीं आएंगे सोने के लिए? आ रहा हूँ मैं, थोड़ी जरा हवा खा के आता हूँ। इतना तो खाया फिर भी पेट नहीं भरता है और ऊपर से हवा खा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हवा के बदले शरीर पर दया खाओ। ये तू नॉनसेंस। साढ़े 11 बजने का ये बल्लू अभी तक नहीं आया, कहीं दगा तो नहीं देगा ना? चालू मत कर, धक्का मार के लेके जा। ओ नहीं होगा चालू भाई। ए चोर, ए चोर चोर। अरे भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े देख। अरे तेरा स्कूटर चोरी हो रहा है भिड़े। अरे जल्दी है देख। क्या हुआ? स्कूटर स्कूटर चोरी हो रहा है। क्या हुआ? ए ए चोर, ए चोर साइड दिया। ए छोड़ी, ए उसको पकड़, तू छोड़ ना। ए ए चोर चोर। ओ कि और तेरी तो लोग वहां बैठ। अरे अभी कहां से आ गया? ए अभी तू ए सामने आ लो। चल ए रुक। क्या क्या हुआ? अरे बहुत मार लिया, मुझे भी थोड़ा मारने का मौका दे। मेरे स्कूटर चुरा था। ये डाला, ये लो मार इसको। तेरी तो चोरी करता है हमारी सोसाइटी में। डाल मार। कोई आगे नहीं आएगा, मैं अकेला मारूंगा इसको। मुझे धक्का मार के भाग जा, जल्दी भाग जा। अरे इसको पकड़ो पकड़ो इसको।
सकती है भाई, अगर तुम गए तो तुमको मारेंगे छोटी। अरे यार बाप रे, ये क्या हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में? अरे जीना मुश्किल हो गया यार। चोर 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 कितनी बार आ गए हमारी सोसाइटी में चोर तो। अरे भाई भिड़े, ये तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया, वरना आज तो तेरा स्कूटर गया था। करेक्ट। हाँ बराबर है। क्या बराबर है, वॉचमैन होता तो ध्यान रखता ना वो बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वॉचमैन रखना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है जेठालाल, मेरे ख्याल से अभी हमें वॉचमैन रखना ही चाहिए। हाँ, हाँ। तो ठीक है, हम लोग कल ही सोसाइटी में मीटिंग बुलाते हैं। ए भाई क्या अभी भी मीटिंग? भिड़े अब तो समझो यार, कौन सी मीटिंग? कोई मीटिंग वीटिंग नहीं, हम लोगों को सोसाइटी में वॉचमैन रखना, ये फाइनल करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, हाँ रखना ही पड़ेगा। हाँ बस रखना ही है। लगता है हमारी सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। पहले अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई, फिर फायरिंग हो गई, और आज तीसरी बार चोर आ गए। देवा रे देवा, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो कहता हूँ कल के कल ही रख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, कल अब्दुल को बोल देता हूँ। ओ क्या, बीच में दुकान के लिए मुझे वॉचमैन चाहिए था ना, तो उसको बोला था उसकी पहचान में है कोई। ठीक है कल ही बोल दो, और वॉचमैन रखना फाइनल। ठीक है ठीक है। चलो भाई चलो चलो। हा गोकुल धाम सोसाइटी में वॉचमैन रखने का फैसला हो गया। मुझे समझ में नहीं आता, हम सभी काम तभी क्यों करते हैं जब वो करना बहुत जरूरी हो जाते हैं। रास्ते में कोई पत्थर हो, अगर हमें ठोकर न लगे ना, तो हम उसे निकालने की भी नहीं सोचे। चलता है चलने दो, होता है होने दो, शायद हमारे जीवन का मूल मंत्र यही हो गया। लेकिन इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में वॉचमैन आने के बाद क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। वैसे देश में इन दिनों क्या हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जो चुने हुए उम्मीदवार हैं वो आपके चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। अब वो हंसी बरकरार रखेंगे या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हम आपके चेहरों पे हंसी बरकरार रखेंगे इसकी गारंटी लेता हूँ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो हेलो सेठ जी। हाँ नड्डू काका, इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे सेठ जी काम होगा तभी तो फोन किया ना। हाँ तो भाई बोलो ना क्या काम है? अरे सेठ जी वो बल्लू है ना जिसको हमने नकली चोर बनाया था, उसका भी फोन आया था, उसको ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? अरे वो बोल रहा था कि जब हमारी डील हुई थी ना तो मार खाने की बात नहीं हुई थी। तो उसको बोलो कल दुकान में आ जाए, बात कर लेंगे। अरे सेठ जी वो कह रहा था कि सुबह तक राह नहीं देखूंगा। क्या जीप दादा गिरी है? तो उसको बोलो पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। अरे मैं तो बोल दूंगा, पर वो आपकी सोसाइटी के बाहर ही खड़ा है, बोलता था अब भी पैसे नहीं मिले तो सारी सोसाइटी वालों को जगा कर सेठ जी का सारा पांडा फोड़ दूंगा। हा? बोलो क्या करूं? उसको बोलो वहीं खड़ा रहे, मैं जाके मिलता हूँ उसको। और क्या? और सुनिए सेठ जी, TDS काटे बिना पैसे देना। क्या खाती है, कल रात को मूली की सब्जी खाई थी, कितनी बार बोला रात को मूली नहीं खाते, कसर का आता है पर समझती नहीं है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। हाँ? तो बाथरूम तो यहाँ पर है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ओह थैंक यू। मैं सुना Oh
इतना है कर रही है, कम से कम 5-6 किलो मूली खा गई होगी। भी नंग है भाई, है? रात को ही पैसा चाहिए, कल सुबह दुकान से नहीं ले सकता था? नहीं, बापू ने मना किया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कौन सा बापू? अपन का बापू, सबका बापू, गांधी बापू। अपन ने भी मुन्ना भाई देखी है। अच्छा बोल भाई, कितना देने का है? 400 रुपए के लिए तूने भाई आधी रात को परेशान किया। 4000 सेठ। 4000? ये इतना थोड़ा सा मार खाया उसका 4000? थोड़ा मार खाया? वो सरदार पागलों की तरह टूट पड़ा था मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, 4000 ना। तो देख 1500 तो मैं तेरे को पहले ही ज्यादा दे चुका हूँ। कौन सा 1500? अरे भाई तू तो 500 में करने को तैयार था ना, हाँ? और नकी कितना हुआ? 2000। तो 1500 ज्यादा हुआ क्या? नहीं गाड़ी जरा दिए तो 4000 में से 1500 का तो 2500 बचा बराबर। एक मिनट ये ले, 1 2 3 4 5, ये ला 500 का 5। सेठ जी मेरे को कुछ सारा हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट भाई, हो गया बराबर है। अरे पुलिस, चुप रहे। अभी 5 मिनट के लिए तो मेरा दोस्त है, समझा ना? ए इधर 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 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, हम लोग तो गर्मी लग रहा था ना, तो ठंडा बंडा पीना आया था तो दुकान बंद हो गया। रात को 2 बजे? अरे ले 2 बज गया? हाँ, हाँ। वो घड़ी पहना नहीं है ना, इसलिए हाँ। पता ही नहीं चला कभी 2 बज गया। एक मिनट, आपको ही देखा है? हाँ। आप इस सोसाइटी के अंदर थे? हाँ इधर ही हो, जेठालाल। अच्छा जेठालाल। हाँ हाँ। ये छपरी कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा। दोस्त है, वो भी आया था ठंडा पीने। अच्छा। उसको भी गर्मी लग रहा था। अच्छा। तो चलो रात बहुत हो गई, निकलो अभी। चलो चलो चलो, तू भी निकल। चलो एक मिनट सीधी, जरा हिसाब मेरे को कुछ समझ भाई। सीधा घर जाना, वे पुलिस पकड़ेगी तो ये हिसाब भी निकल जाएगा। जा चुपचाप। ठीक है। हाँ, भाभी। हाँ। जरा जटा भाई को बुलाओ ना। हाँ, टप्पू के पापा। ओ टप्पू के पापा। अरे क्या है, अभी तक मैं घर में ही हूँ, अभी दुकान नहीं गया हूँ, अभी से क्यों बालकनी से चिल्ला रही है? अरे ये अब्दुल आपको बुला रहा है। हाँ। इसको साइड में रख। हाँ बोल अब्दुल। जटा भाई, आनंद वॉचमैन। जी नमस्ते। नमस्ते। इनको देख के लगता है कि इस बेचारे ने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया है। भाई आप ठहरिए, मैं आपके लिए थेपला और चाय लेकर आती हूँ। जी। अरे देखो भाई, एक बात समझ लो। एक मिनट। अब्दुल क्या फोन बज रहा है? उठा आज रे। आनंद को दे। आपका फोन है जी। अरे नीचे देख के बात करो। देखो भाई, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे ना जी, तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा, समझ गए? जी सर। अच्छा तुम्हारी बाई और एक सीढ़ी दिख रही है। अरे बाई बाई और भाई क्या बोलते हैं, लेफ्ट। जी सर। दिख रही है सीढ़ी? हाँ दिख रही है। ओ सीढ़ी के नीचे ही पूरा दिन खड़े रखे तुमको ड्यूटी करने का, समझ गए? ठीक है सर। ऐसा करोगे तो तुमको पगार भी मिलेगा जी, और बख्शीश भी मिलेगा, और बख्शीश मैं दूंगा तुमको। जी साहब। तो एक काम करता हूँ, बख्शीश मैं तुमको अभी एडवांस में दे देता हूँ, मैं आता हूँ नीचे, ठीक है? जी साहब। दे दो फोन अब्दुल को। जी आ जाए भाई। क्या बोला साहब जी? कुछ नहीं, साहब नीचे आ रहे हैं। तो अब्दुल भाई क्या दुकान छोड़ के यहाँ पे क्या खड़े हो? अरे वॉचमैन लाया हूँ।
वो कमाल है, जेठा प्राणे खुद के लिए वॉचमैन रख लिया यार। इसे मैं लाया हूँ पूरी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए लाया तो फिर वो वहाँ क्यों खड़ा है? ए भाई उधर क्यों खड़े हो तुम? साहब ने यहाँ खड़े रहने के लिए कहा है। कौन साहब? वो ऊपर वाले साहब। कौन? जेठालाल। कौन है तेरी? ये इन साहब ने कहा था, लीजिए आ गए। ओए जेठालाल, ये वॉचमैन को यहाँ पे क्यों खड़ा किया? हाँ तो और कहाँ खड़ा रखो? अरे भाई सोसाइटी का वॉचमैन है तो गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए ना उसे। हाँ नहीं नहीं वो बराबर है, लेकिन वास्तु के हिसाब से देखने जाएंगे ना, पूरी सोसाइटी के ऊपर बराबर ध्यान रखना है तो यह सबसे एकदम बेस्ट जगह है। वो कैसे? समझाता हूँ भाई, शांति रखो थोड़ा। देखो इधर से छोटी तुम्हारा घर एकदम देखो बराबर दिखता है। अरे हाँ यार, यह भिड़े का घर एकदम बराबर दिखता है। इधर से पूरी सोसाइटी का सभी घर एकदम बराबर दिखते है। अरे हाँ यार, बात तो बराबर है। तो क्या बराबर है सोड़ी? देखो जेठाला, तुम सोड़ी को उल्लू बना सकते हो। ओए पीड़े। नहीं मतलब मुझे नहीं, समझे ना, सोसाइटी का वॉचमैन है तो उसको गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए। सोड़ी है क्या है? ओ पीड़े। वॉचमैन भाई। जी भाभी। ये लीजिए थेपला और चाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। भाभी इन थेपलों के साथ अगर थोड़ा सा मिर्ची का अचार होता तो खाने में और भी ज्यादा मजा आता। मिर्ची का अचार? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये हमारे भिड़े भाई है ना, उनके पत्नी भिड़े बहन बहुत अच्छा अचार बनाते हैं। हाँ भिड़े भाई, आप अपने घर से जरा मिर्ची का अचार लेकर आइए ना। जेठालाल ले मानना है ले। अब्दुल अब्दुल ये क्या है? हाँ ये काम करने आया, नाश्ता करने आया यहाँ पर? मैं बताना भूल गया, ये सोसाइटी के अंदर ही रहेगा, नाश्ता भी करेगा और खाना भी खाएगा। ए नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे भेड़े भाई जरा समझा करो, अरे खाना खा के कितना खाएगा, पगार भी कम लेगा ना। वैसे ये पगार कितना लेगा? 2-3 हज़ार रुपये लेगा। 2,000 ठीक है। अरे भाई सोसाइटी तुमको 2,000 रुपया पगार देगी। 2,000 थोड़ी कम है पगार है? लेकिन फिर भी एक काम चला लेंगे। हाँ रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे टंकी में पानी चढ़ाने का काम भी तुमको ही करना होगा। हाँ ठीक है। बोलो भिड़े, तुम्हारा तो लाइफ सेट हो गया है। कैसे? अभी सुबह शाम तुम फ्री हो गए ना? मतलब वैसे भी तुम फ्री होते हो, अभी और भी फ्री है? अभी आराम से 9 बजे तक सोना। मौज करो पिड़ेपरा। भाई खड़े क्यों, अभी चलो। अरे क्या अभी, ये बेचारे को चाय नाश्ता तो करने दीजिए। जो भी करना है वो गेट पे जाके करो, चलो। अरे तुम्हारे पास वॉचमैन का एड्रेस है कि नहीं? हाँ लाया हूँ ना साहब, अब्दुल की दुकान पर रखी है। हाँ तो ठीक है, उसे पहन लो और काम पे लग जाओ, चलो 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 चलो। और भाई वो थाली और ग्लास दया भाभी का है, वापस पहुँचा देना। क्यों जेठालाल खुश? अरे नहीं भाई, ऐसे ग्लास और वो थाली तो बहुत है घर पे, रहने दो उसके पास। अरे अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉचमैन की बात कर रहा हूँ। वॉचमैन रख लिया अब तो खुश? हाँ भाई तेचा सठी मंडल तुमचे आभार्य है। ए भाई ये वॉचमैन। जी साहब। जी साहब क्या जी साहब, तुम्हें यहाँ पे आराम से पेपर पढ़ने के लिए नहीं रखा है, सोसाइटी में आने जाने में लोगों पर नजर रखने के लिए रखा है। अभी वो जो आदमी गया वो कौन है मालूम है तुम्हें? आपको पता होगा, आप बरसों से रह रहे हैं। मैं तो आज ही आया हूँ साहब। अरे भाई मैं भी नहीं जानता। ए भाई बराबर ध्यान रखो, अनजान आदमी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वो चोर भी हो सकता है। ठीक है साहब, अब से ध्यान रखूंगा। ए भाई अब्दुल तू इसे लेके आया ना, जरा इसे समझा। हेलो। हाँ बोल मगन। अरे भाई बैंक में तो, अरे चेक भरने का ना तो अभी तक गया नहीं बैंक में। क्या नटू काका अभी तक नहीं है? एक मिनट, क्या हो गया नटू काका को आज? अरे नटू काका किधर है आप? आपके पीछे खड़ा हूँ। नटू काका कितने बज रहे? 2।
क्यों? वो तो रोज बजते हैं, इसमें मैं क्या करूं? अरे नटू काका, दुकान आने में आपको इतनी देर क्यों हुई ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपकी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, आपके बल्लू ने मुझे आधी रात को फोन किया, फिर मैंने आपको फोन किया, नींद ही नहीं आई, सवेरे 5 बजे आँख लगी, फिर 12 बजे उठा, मैंने सोचा अभी खाना खा के दुकान जाता हूँ, देर तो हुई है, थोड़ी और देर। नट्टू काका। अच्छा एक मिनट, आपने वो बल्लू का हिसाब चुकता कर दिया? अरे हाँ दे दिया भाई। अच्छा सेठ जी, अब हम कब बैठते हैं? किसके लिए? मेरा हिसाब के लिए। आपका कौन सा हिसाब है? क्यों, वो पगार बढ़ाने की बात करनी है ना। जाओ जाओ दुकान संभालो पहले। समझ गया, बाद में बैठेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे कहाँ जल्दी है, आराम से अपन आराम से बात करेंगे। ये भाई कपड़े रेडी है क्या हमारे? भिड़े भाई शाम को मिलेंगे आपके कपड़े। हाँ कूट गया। ये अब्दुल, ये वॉचमैन किधर गया? मुझे क्या मालूम। अरे यही तो बेटा था ना, तुमको ध्यान रखना चाहिए ना उस पर। भिड़े साहब, सब पर ध्यान रखने के लिए आपने उसे रखा है, मैं उस पर क्यों ध्यान रखूं? ऐसा वॉचमैन लेके आया है तू? बजट के हिसाब से बराबर है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे बच्चों सुनो सुनो, तुमने वॉचमैन को देखा है कहीं? वॉचमैन अंकल यहीं पे बैठे। और ये रहा बादशाह। यार जी जल्दी ले, जल्दी ले। अरे भाई रफीक भाई, आज तक हमसे कोई पत्तों में नहीं जीता है। ए भाई ये वॉचमैन, तू गेट छोड़ के यहाँ पे पत्ते क्या खेल रहे हो? और ये लोग कौन है? ये लोग हमारे दोस्त है और हमसे मिलने आए हैं। तो क्या ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे बैठ जाने का? अगर कोई मेहमान मिलने आ जाए तो उसे मना थोड़ी किया जा सकता है। टंकी में पानी चढ़ाया? अरे साहब वो तो मैं भूल गया। पगार किस बात की लोगे फिर? वो मैं अभी चढ़ा देता हूँ, अभी चढ़ा देता हूँ। ए भाई म्युनिसिपैलिटी का पानी तुम्हारी फुर्सत से नहीं आता। ए जाओ भाई तुम्हारी छुट्टी, जाओ। अरे साहब इतनी छोटी सी बात है। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? अरे तुम यहाँ पे वॉचमैन का काम करने आए हो या पिकनिक मनाने आए हो? कभी पत्ते खेल रहे हो, कभी अखबार पढ़ रहे हो। तुम यहाँ पे बैठे रहोगे और वहाँ पे कोई चोर घुस गया तो? नहीं भाई नहीं, हम तुमको नहीं रख सकते, तुम्हारी छुट्टी, जाओ। चलो चलो निकलो। जाने दीजिए साहब, गलती हो गई। नहीं भाई गलती तो हमारी हुई है जो आपको काम पर रखा। तो फिर आप अपनी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अब ये मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अभी इसी वक्त तुमको नौकरी से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ए भाई मैं क्या भाषण नहीं दे रहा, उठो उठो चलो निकलो यहाँ से। पत्ते खेल रहे जुआरी कहीं के, ये निकलो चलो। मेहता साहब की गला है, सोडा नहीं पी रहे? हा? अरे सोडी आज आजमा बिल्कुल ठीक है, सोडे की जरूरत नहीं है आज। क्या बात है आज बहुत हंस रहे सब, क्या जोक क्या हुआ? लेकिन तुम ये बताओ लेट कैसे हो गए आज? आज जरा लेट हो गया। भिड़े क्या भाई, वो गेट पे वॉचमैन खड़ा रखा था, किधर गया? खाना वाना खाने गया? जेड़ा लाल वो खाना खाने को नहीं, वो परमानेंट गया है। क्या मतलब? मतलब आत्माराम ने उसको नौकरी पे से निकाल दिया है। क्या? अरे आज ही रखा, आज ही निकाल दिया? अरे लेकिन क्यों? जेठालाल मैं चेक करने आया था कि काम कैसे कर रहा है, तो वो आराम से पेपर पढ़ रहा था। फिर जब शाम को मैं उसे बोलने आया कि भाई टंकी में पानी चढ़ाना है, तो भाई साहब आराम से पत्ते खेल रहे थे दोस्तों के साथ। अरे आज भी मैंने ही पानी ऊपर चढ़ाया। अरे लेकिन बेटा आज की रात तो उसको रहने देना था। क्यों भाई आज की रात में से क्या खास बात है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ना, आज चारों बाजू इतनी चोरियां हो रही है यार। अरे यार इसमें इतनी टेंशन क्या है, एक दो दिन में नया वॉचमैन रख लेंगे। हाँ, अरे एक दो दिन में मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। सोड़ी ये तो ऐसे बात करे जैसे इसके घर में लाखों रुपए पड़े हो। हाँ पड़े है तो है? अरे भाई मेरे घर में 25 लाख रुपए पड़े। अगर आज रात को चोरी हो गए तो तू भर के देगा मुझे? जेठालाल शांत हो जाओ। कर रहा है यार। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा टेंशन, समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे ऑफिस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है मैं कल ही उससे बात करता हूँ, फोन लगाता हूँ उसे और कहता हूँ एक वॉचमैन हमारे यहाँ भेज दो। बोलना मत। हाँ पक्का पक्का, कल पहला काम यही करूंगा, ठीक है? तुम सोडा पियो अभी, चिंता मत करो वॉचमैन की। बॉस सोसाइटी से वॉचमैन को निकाल दिया है और एक जेठालाल करके आदमी है,
जिसके घर पे 25 लाख रुपए पड़े हैं बॉस। देखा आपने, एक आलसी और कामचोर वॉचमैन को निकाल दिया गया गोकुलधाम सोसाइटी से। करते भी क्या, और आलसी लोग अपनी कहावतें खुद बना लेते हैं, आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। समझ में नहीं आता कि आलस्य करने वाले लोग न खुद का भला कर पाते हैं न समाज का। अब देखिए ना, हमने हमारे नेताओं को चुन के संसद में भेज दिया है, पर कहीं वो भी आलस के मारे ऐसा न कर बैठे कि जनता की पुकार ही न सुने। अगर ऐसा उन्होंने कर लिया तो सोच लो, जनता भी नेताओं के साथ वही सुलूक कर सकती है जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने वॉचमैन के साथ किया है। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चिंता ये है कि चोरों को ये पता चल गया है कि जेठालाल के घर में 25 लाख रुपए हैं। अब चोरों को ये जानकारी और इधर गोकुलधाम सोसाइटी के लोग, अब ये मिलके जो हंगामा करेंगे वो देखने के लायक होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा उठा के। चुप, जरा भी आवाज किया ना तो ये चल जाएगी, समझा? ये चलेगी तो भी आवाज तो आएगा ना। चुप, चुप, चुपचाप बता कि वो 25 लाख रुपए तूने कहाँ रखे? अबे बोलना। बोलता क्यों नहीं बे, बोलना जल्दी। आपने बोला चुपचाप बता, समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप रहूं के बताऊं? अच्छा बता, एक मिनट गया। अबे तेरी, तू उसको क्यों उठा रहा है? उसको ही मालूम है किधर है। तो फिर उठा। दया, दया। 25 लाख किधर रखे हैं? टप्पू की स्कूल बैग में। स्कूल बैग कहाँ? स्कूल बैग किधर है? अमरेली में। अमरेली कभी गई थी तू? वहाँ कहाँ रख गया है? ये अमरेली क्या है? गाँव है। किधर है? गुजरात सौराष्ट्र में। अरे बोले तो उधर जाने का कैसे? भावनगर मालूम है तो बगसरा से आप जाएंगे ना आगे तो उधर एक चौकड़ी आती है, उधर से लेफ्ट जाने का राइट हो उधर पूछ लेना, मालूम नहीं। लेकिन ये बगसरा कैसे जाने का? अमरेली से। अमरेली नहीं, अलमारी। और अलमारी कहाँ है वो हमें पता है। ये किसी की अमानत है, मेरी बात सुनो। ये दिनेश भाई के पैसे हैं, मैं वो आएंगे अभी, वो गए उधर किधर किधर, वो आएंगे उनको मैं कहाँ से दूंगा? भाई 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 भाई, भाई मेरी बात सुनो भाई। थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं नहीं नहीं, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। नहीं, अरे अरे टप्पू के पापा। हाँ। क्या हुआ, कौन क्या लेके जा रहा है? अरे आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ। हाँ? क्या दया, दो चोर ऐसे बंदूक लेके आए। हाँ? बंदूक इधर मेरे सर पे रखी। हाँ? और 25 लाख लेके भाग गए। हाँ? दया, तूने वो 25 लाख संभाल के रखे ना अमरेली में। अमरेली? अलमारी में। नहीं तो कहाँ रखे? अरे यहाँ पर रखे हैं। दया। हाँ? ये 25 लाख की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है चोरों का। अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, कोई चोर बोर नहीं आएगा, और अगर चोर आया ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? आप बाहर जाकर देखिए। क्या है बाहर? अरे देखिए तो सही। ये क्या है दया? समझाती हूँ, आप अंदर से बाहर आए तब आपको पता था कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं? नहीं। ठीक वैसे ही
चोर बाहर से अंदर आएगा तब उसको भी पता नहीं होगा कि नीचे बर्तन गिरे हुआ है। तो जैसे आपका पैर टकराने से खुड़ुम खड़म खुम आवाज आया, ठीक वैसे ही चोर का पैर टकराने से खुड़ुम खड़म खुम खुम आवाज आएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। अरे क्या हुआ जेठिया? बापू जी, अरे ये सब क्या है? वो बापूजी, वो अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करने आए तो यह खड़ंग खड़ंग आवाज से हमें पता चल जाए, इसलिए दया ने ये सब बर्तन ऐसे रखे। चल टप्पू चल। मैं क्या कहती हूँ, आपने बताया नहीं, कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ? किस चीज का? अरे कल अपनी बात हुई मेहता से। किस बारे में जेठालाल? लो बोला, भूल भी गए। अरे आप वो वॉचमैन का बोलने वाले थे। अच्छा वो? हाँ वो रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स मेहता साहब, पूरी रात मैंने कितना टेंशन में बिताया आपको मालूम है? अरे नहीं जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी रिलैक्स सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर चुका हूँ और वो लोग आते ही होंगे। मतलब बोल दिया है ना? अरे हाँ भाई। चलो वैसे नाम अच्छा रखा रिलैक्स। नाम सुन के आदमी आधा तो टेंशन फ्री हो ही जाए। जाहिर है। मिस्टर मेहता। हाँ मैं तारक मेहता हूँ। ओह हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम मोनिका फ्रॉम रिलैक्स सिक्योरिटी। हाँ मोनिका, मैंने आपको कॉल किया था सिक्योरिटी के लिए। जेठालाल सिक्योरिटी। आप करेंगे वॉचमैन गिरी? नो नो नो, नॉट मी। शेर सिंह। देखा ये इसका बोलते हैं वॉचमैन। ये देखो हाइट है, बॉडी बराबर है। मैंने बोला था ना। वाह वाह, ये क्या लेकर आए हैं? बहुत बढ़िया। चलो भाई चालू करो, आज से ही चालू करो। ए, एक मिनट जेठालाल, क्या हुआ? एक मिनट रुको। क्या शुरू क्या कर दो? हाँ ये सोसाइटी के लिए आया ना वॉचमैन। हाँ तो इसका पेमेंट सोसाइटी देगी ना? हाँ तो पहले पगार तो तय करने दो। हाँ जेठालाल, वैसे भिड़े की ये बात तो सही है, सैलरी वगैरह थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए। तो कर लो ना भाई, कर लो, उसमें क्या है। ओए होए, क्या बात है, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में नई सिक्योरिटी? हाँ अभी तक तय नहीं हुई है, वही तय कर रहे हैं। हाँ हाँ तो मैडम जी, क्या होते हैं जनरली आपके सिक्योरिटी चार्जेस? देखिए इट डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी CCTV विद मॉनिटर विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 75,000 रुपीज़ पर मंथ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमें वो सब नहीं चाहिए, वो कैमरा वगैरह नहीं चाहिए। क्या है, उसको सिर्फ गेट पर खड़ा रहना है और सोसाइटी पे आने जाने वाले लोगों पर नजर रखनी है। तो इसके लिए वो क्या पगार लेगा? 7,000 पर मंथ। 7,000 रुपए? हाँ 7,000। क्या? हाँ 7,000। जेठालाल पिछली बार हमने सिर्फ 2,000 रुपए दिए थे। तो 2,000 में कैसा वॉचमैन आता, देखा ना तुमने? भिड़े 2-3,000 बचाने के चक्कर में कहीं लाखों की चोरी हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या बोलते हैं मेहता सर? हाँ भिड़े यार, ये बात बिल्कुल सिक्योरिटी की बात है यार, इसमें कंजूसी मत करो बिल्कुल। हाँ भिड़े मान जाए यार, कहाँ तुमको जेब से देने का, पूरा सोसाइटी सब खर्चा। और क्या, आत्माराम बिल्कुल बराबर है, ये रख लो तुम। ठीक है, हम लोग इसे 7,000 रुपया देंगे। लेकिन है भाई, 7,000 रुपये में कोई चोर और आएगा तो पकड़ोगे ना उसे? साहब जी, हमारी काबिलियत पे शक ना किया करें हैं, 4 चोर और 3 पॉकेट मारों को पकड़ चुका हूँ। और यही नहीं साहब जी, गांव में कुश्ती के कई दंगल जीत चुका हूँ। देखो हमारे पहलवानों के भाग्य देखो। हाँ
हुनर तो है पहलवानी और काम कर रहे हैं दरबानी। साहब जी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन साहब जी अपना अपना नसीब है। लेकिन साहब जी मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पांव नहीं रख सकता। मैडम चूहा, मैडम चूहा, चूहा। मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पांव नहीं रख सकता। चूहा मानुसिया मेहता साहब, ये शेर सिंह एक चूहे से डर गया, फिर हम सोसाइटी वालों की रक्षा क्या खाक करेगा? ओए रात को इसने चूहे को देख लिया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? हाँ मेहता साहब, क्या मतलब ये, क्या नहीं मतलब ये क्या, कौन से टाइप के वॉचमैन लेके आए आप? अरे मेहता साहब, दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। अरे पर इसमें मैं, एक मिनट समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या करूं अगर वो चूहे से डरता है तो, ये मुझे थोड़ा ही पता है। आपने बुलाया ना भाई। अरे पर मैंने बुलाया है तो मुझे कोई इसकी जन्म पत्री थोड़ी मालूम है, मैं पूछता हूँ ना। मोनिका व्हाट इज दिस, सारे लोग मुझे दोष दे रहे हैं, मैंने आपको क्यों कॉल किया था? वी नीड अ गुड वॉचमैन, आप इतना डरपोक वॉचमैन लेके आई है। देखिए मिस्टर मेहता, शेर सिंह डरपोक नहीं है। हम सबने देखा है अभी उसे चूहे से डरते हुए। एक्चुअली इसे बचपन से सिर्फ चूहे का फोबिया है। अच्छा अच्छा, सिर्फ चूहे से फोबिया है। फोबिया क्या क्या है? फोबिया फोबिया, हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है? फोइबा? फोइबा नहीं, फोबिया डर। अरे बचपन में कुछ चीजों से जो डर बैठ जाते हैं ना, वो जवानी तक चलते हैं आदमी के साथ, उसे ही कहते हैं फोबिया। किसी को पानी से होता है, किसी को आग से होता है, कोई प्लेन पे बैठने से डरता है, और कुछ कुछ लोग तो ऊंचाई से झांकने में डरते हैं। हाँ यार, मेरे मौसी के लड़के को भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है, वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा हाँ? कौन से फ्लोर पे रहता है वो? वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऊंचाई कहाँ आ गई? उसका ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से शुरू होता है, पहले दो फ्लोर पे पार्किंग है। कठिन है भाई, तुम लोग अपना बंद करो ना यार। मेहता साहब क्या अभी इसका क्या करने का? हाँ साहब जी, मैं सिर्फ चूहे से डरता हूँ, बाकी मैं शेर हूँ शेर। अगर आप में से किसी को मेरी मर्दानगी देखनी है तो आप में से कोई मुझसे कुछ से लड़े। ओए तेरी तो पकड़, इसका भी मैं करता हूँ मुकाबला। सोडी सोडी क्या यार? नहीं भाई भिड़े जाना दो ना उसको, अगर मुकाबला है जीत गया सोडी तो ठीक है ना, वो करेगा वॉचमैन गिरी। अरे और सोडी तो चूहे से डरता भी नहीं है। जेठालाल जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मेहता साहब अभी इसका क्या करें हम? देखिए जेंटलमैन, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल वेल रेप्यूटेड है, इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके साथ है अब रिलैक्स सिक्योरिटी। दोस्तों मुझे लगता है कि हमें इन पे यकीन करना चाहिए, मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे लगता है हमें चीर सिंह को वॉचमैन बना देना चाहिए, क्या बोलते हो? एक 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 चांस देते हैं, फिर नहीं वो देखते। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का वॉचमैन है ये शेर सिंह, और इसकी पगार है 5,000 रुपया, 7,000 रुपया। कोमल भाभी, लगता है हमें अच्छा वॉचमैन मिल गया। फाइनली कॉन्ग्रेट्स। सेम टू यू। शिव जी, 4 लाख का नुकसान हो गया। 4 लाख का नुकसान? कैसे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या सेठ जी, जितने साल से मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ उतने साल हर साल आपने मेरी 5% भी पगार बढ़ाई होती ना, तो आज मेरे बैंक के खाते में 4 लाख रुपया जमा होता। हे भगवान, नट्टू काका, किसी दिन आपकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सेठ जी, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप पत्थर दिल हैं, और पत्थर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। मैं पत्थर दिल हूँ? हाँ पत्थर दिल। कैसे? आप मेरी पगार जो नहीं बढ़ाते। नट्टू काका, कभी कभी समझ में नहीं आता दया ज्यादा परेशान करती है या आप। अरे पिछले 2 दिन में एकदम टेंशन में था, आज जरा अच्छे मूड में हूँ, तो अच्छे मूड में रहना दो ना नटू काका। क्या बात है सेठ जी, आप आज अच्छे मूड में हैं? आपका साला सुंदर अहमदाबाद से आया है। ए भगवान, किसका नाम ले लिया नटू काका आपने?
जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, वैसे मेरी जिंदगी में सुंदर और सुख कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूँ, आपको कभी अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा हो ना, तो अहमदाबाद चले जाने का और एक हफ्ता सुंदर के साथ रहने का, प्रायश्चित हो जाएगा। वैसे आप भी सुंदर के साथ रहोगे तो सुंदर का भी प्रायश्चित तो हो ही जाएगा। क्या कहा सेठ जी? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सोसाइटी में नया वॉचमैन रख लिया है, तो अभी मुझे चोरी बोरी का कोई डर नहीं है। कितना भी घर में कैश हो, गहने हो, कोई टेंशन नहीं। सेठ जी क्या नसीब नसीब सेठ जी, अगर आपके नसीब में चोरी लिखी है ना, तो आप कितने भी वॉचमैन रखेंगे चोरी होके ही रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। कितनी सिक्योरिटी होती है, फिर भी बम ब्लास्ट होते है कि नहीं, फायरिंग होती है कि नहीं, चोरियां होती है कि नहीं? बस नटू काका। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए बताइए, ये सब होता है कि नहीं? नटू काका, इसी के साथ आज का आपका मुझे पकाने का कोटा समाप्त होता है, इसलिए कृपया करके अपने स्थान पर वापस लौट कर विराजमान हो जाइए। ठीक है, वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मेरे 4 लाख का सेटलमेंट आप कब करेंगे? एक काम करते हैं नड्डू काका, ये जो आपकी 4 लाख की रकम है ना, वो जब भी 10 लाख की हो जाएगी ना, तो एक साथ दे दूंगा। वाह सिटी वाह, मान गए आपको, एक साथ 10 लाख, 10 लाख एक साथ। नट्टू काका, नट्टू काका, इनके जैसा पीस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। लगता है इनका पगार अभी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। वाओ वॉचमैन अंकल, आप कितने हिम्मत वाले हो, आपने अकेले बैल का सामना किया, वाओ। ये तो कुछ भी नहीं, जानते हो एक बार हमारे गांव में 6 डाकू आ गए। डाकू मतलब? अरे वो लुटेरे, वो धूम पिक्चर में आए थे ना, वो लुटेरे बाइक पे। अच्छा वो, वैसे हाँ, फिर? ए, फिर क्या, मैंने अकेले उन डाकुओं का मुकाबला किया। अंकल आप सब लड़ने का ही काम करते हो? अरे गोली लड़ना तो इनका काम ही है। अंकल आप एक काम करो, कल आप हमारे साथ आना, हमारे स्कूल के सामने एक जिम है, वहाँ पे सब लोग कसरत करने आते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान आते हैं, WWF जैसे आते हैं, वहाँ पे हम आपका और उन पहलवानों के बीच में कुश्ती का मुकाबला रखेंगे। हाँ। ए बच्चों, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। क्यों अंकल, डर गए? नहीं बच्चों, शेर सिंह किसी से नहीं डरता। तुम जाओ खेलो, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दो, जाओ। ठीक है। तो इन गोकुल धाम वालों ने मजबूत वॉचमैन रख लिया है, बॉस को बताना पड़ेगा। क्या गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने नया वॉचमैन रख लिया? हाँ बॉस, तो फिर जटियालाल को लूटने का प्लान कैंसिल करें। हाथ आज शिकार को ऐसे नहीं जाने देने का, हो सके तो आज रात को ही उसे लूटेंगे। लीजिए दूसरा वॉचमैन भी आ गया गोकुल धाम सोसाइटी में, अब जेठालाल थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं। भाई घर में इतना पैसा जो पड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि चोरों के इरादे बहुत मजबूत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि चोर चोरी क्यों करना चाहते हैं किसी और के कमाए हुए धन की। अगर चुराना ही है तो किसी का दिल चुराओ, किसी की आंख से आंसू चुराओ, किसी के दर्द चुरा लो, वो चीज क्यों चुरानी जो आपकी नहीं है। लेकिन क्या करें साहब, चोर तो ठहरे चोर। खैर साहब, उनके इरादे कुछ भी हो, हम अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा गोकुल धाम सोसाइटी में जब आएंगे चोर। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक चीज तो गारंटीड होगी, आपके ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।